चलिए दोस्तों, आप सभी का अभिवादन है। मैं देवेश कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं आपको वीडियो देने वाला हूं, जिस पर मैं पहले भी कई वीडियोस दे चुका हूं, कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के बारे में फ्रेंड्स, आप जा सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप पीछे के वीडियोस देख सकते हो। जो पहला वीडियो मैंने दिया था कांग्रेस के बारे में, दैट वाज ऑन 11 फरवरी, और 16 जुलाई को हमने जो एक वीडियो दिया था 16 जुलाई को, जिसमें हमने बताया था कि 23 नवंबर 2019, 23 नवंबर 2019 तक कांग्रेस में और बहुत जबरदस्त उतार चढ़ाव होने वाले हैं। ऐसे चढ़ाव तो कुछ नहीं, उतार ही उतार होने वाले हैं। उसमें वीडियो आप जाके हमारा देख सकते हो, जिसपे मैंने कहा है कि कांग्रेस के पतन का दूसरा फेज 23 नवंबर तक चलेगा। हमारी कैलकुलेशन है कांग्रेस के ऊपर, मैंने जो रिसर्च किया था, एक एक घटना आप देखेंगे हमारे वीडियोस में। आप हमारे वीडियोस को जाके देखिए, उसमें देखेंगे आप कि हाँ, वास्तव में यह बोला था, इलेक्शन के पहले से ही बोला था, और फिर उसके इलेक्शन के बाद भी मैंने जो जो आपको बोला वो ही लगभग घटित होता चला जा रहा है। कर्नाटक की सरकार भी चली गई, आगे मैंने बोला हुआ है एमपी सरकार के लिए, मध्य प्रदेश की सरकार के लिए अगला खतरा मध्य प्रदेश सरकार के लिए है, मैंने उसमें बोला है क्लियर। तो उल्टी गिनती शुरू हो रही है आज से। आज डेट है 10 सितंबर 2019, आज 10 है। अब आज से उल्टी गिनती शुरू हो रही है और यह 23 नवंबर तक चलेगी, 23rd of November। एमपी में उठापटक ऐसी होगी कि या तो सरकार इसी बीच में चली जाएगी और या वहां पर दो पोल्स बन जाएंगे शक्ति के, जिनमें आपस में टेस्टिंग चलती रहेगी, और एक स्थिति यह आएगी कि सरकार वहां से चली जाएगी, सरकार को जाना पड़ेगा। तो 23rd of November, मैंने पहले ही आपको डेट दे रखी कि इस डेट तक कांग्रेस में भूचाल आने वाले हैं। ऐसे भूचालों का विवेचन मैंने दिया था जो आपको कहीं नहीं मिला होगा, जिसमें मैंने कहा था कि कांग्रेस में ऐसा महाविद्रोह होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ था, और वो सब कुछ आप जाके देख सकते हैं। वीडियोस देखिए और फील करिए कि मैंने जिस स्पिरिट से उसको बोला था, जो प्रेडिक्शन किया था, किस तरह से वही एक एक करके घटित होती चली जा रही है। चिदंबरम जी जेल चले गए, कई कांग्रेस के नेता, उनकी मृत्यु हो गई, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, जो चला गया है उसकी आत्मा को शांति दे ईश्वर। कई नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए, कई नेता कांग्रेस छोड़ के जाने वाले हैं, समझ लीजिए आप। कुछ अभी चुनाव आने वाले हैं और उन चुनावों में देखिए कांग्रेस की और ज्यादा मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, और एमपी अब अगला टारगेट है कांग्रेस के पतन का। यहीं से धुआं उठेगा और उस धुएं से ही कहीं आग उठ सकती है, और वो इतनी भयंकर हो सकती है कि वो जलाकर कांग्रेस की सरकार को राख कर सकती है। ये प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजिकल है, एक एक डिटेल कांग्रेस के बारे में मैंने इतना रिसर्च किया था, कई रातों की नींद मैंने उड़ाई थी, और वो रिसर्च बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। वो विवेचन मैं आपको मुझे देने की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि मैं पहले उसके बारे में बता भी चुका हूं, और उसका कांग्रेस का एक विवेचन नहीं है, उसके कई विवेचन है, उसके 1885 ही नहीं है,
कब कब सरकार दोबारा बनी, कब कब कौन अस्तित्व में आया, कब किसने टेक ओवर, सबसे लंबा रिसर्च मैं बता रहा हूं मैंने कांग्रेस पे ही किया था और वो रिसर्च बिल्कुल सटीक बैठा, आज भी सटीक बैठ रहा है। अब नोट कर लीजिए, आज तो 10 सितंबर है, आज मैं आपको बोल रहा हूं कि अब और ज्यादा विद्रोह की स्थिति कांग्रेस में होगी और 23 नवंबर, ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, यह मेरा वीडियो 6 जुलाई का पड़ा हुआ है, जाके देख सकते हो कि 23 नवंबर को कांग्रेस के पतन का, महाविद्रोह का दूसरा चरण समाप्त होगा। और उसमें मैंने बोला हुआ है कि ऐसा मत समझिए कि इस दूसरे चरण के समाप्त होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, अभी तो इसमें और ज्यादा होना है, अभी तो इसमें और ज्यादा मुसीबतें आनी है, अभी तो कांग्रेस के लिए और ज्यादा इसमें कष्ट आएंगे जिनको वो इतनी जल्दी सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। उसमें हो सकता है कि कुछ और लीडर्स, जाने माने लीडर्स जेल चले जाएं, मैं इसके बारे में एक अलग से विवेचन देने वाला हूं। तो क्या होगा? तो ये होगा कि परिस्थितियां विपरीत होती चली जाएंगी और 23 नवंबर के बाद फिर भूचाल आने के लिए कुछ बचेगा नहीं, केवल यही बचेगा कि जो अंतिम, जिसको कहते हो एक रियून जो होता है, एक महानाश जो होता है, एक बर्बादी जो होती है, उसकी परिस्थितियां आपको दिखेंगी। अभी चुनाव होने वाले हैं, चुनाव महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में, बिहार में भी कुछ समय बाद होने हैं, दिल्ली में, तो इन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। इनके विवेचन, जैसे इनके कैंडिडेट्स होंगे फाइनल, मैं बताऊंगा इनके क्या स्थिति होने वाली है, कौन से दल की, कौन दल अग्रणी रहेगा, कौन कैंडिडेट, जो की कैंडिडेट्स होंगे उनकी क्या स्थिति रहेगी, वो मैं सब बताने वाला हूं। लेकिन कांग्रेस में अब उठा पटक ज्यादा तेज होने वाली थी, इसलिए मैंने आज आपको ये वीडियो दिया और एडवांस में इसीलिए आपको बता दिया कि आज से एक और उल्टी गिनती शुरू हो रही है कांग्रेस की, कुछ चेंज होने वाले हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण चेंजेज होंगे और कांग्रेस को और नीचे की तरफ ले जाएंगे। बता चुका हूं, या तो ये मध्य प्रदेश की सरकार जाएगी और या दो धुर बन जाएंगे, एक्सिस, टू एक्सिस ऑफ पावर्स, टू एक्सिस ऑफ पावर बन जाएंगे। अब टू एक्सिस होंगे तो उनमें हमेशा उठा पटक बनी रहेगी और जो मन में विद्रोह होगा, इनमें मन में जो आपस में कटुता होगी, वो कटुता इतनी बढ़ेगी, आगे आप देखेंगे कि परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ती चली जाएंगी। 23 नवंबर हो सकता है कि कोई अभी ऐसा एक सोल्यूशन दे दिया जाए, काम चलाओ, लेकिन परेशानियां खत्म नहीं होने वाली हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कांग्रेस के बारे में मुझे आज देना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब चेंजेस फिर और फास्ट, मैं तभी वीडियो देता हूं जब या तो चेंजेस उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बहुत फास्ट होने वाले हो और या आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही हो, तभी मैं आपको इस तरह के वीडियोस देता हूं। तो बाकी स्टेट्स के बारे में भी बहुत जल्दी विवेचन हम देना आपको शुरू करेंगे, कांग्रेस के बारे में यह विवेचन जरूर था इसलिए मैंने आपको दिया। थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो फिर मैं आपको किसी महत्वपूर्ण विषय पर देने वाला हूं, तब तक के लिए नमस्कार।